हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 9.2 और इस 9.2 में जो न्यूमेरिकल दिए गए हैं वो हैं तो क्षेत्रफल निकालने के ही, लेकिन आकृतियां आपकी ठोस दी गई हैं, ठोस आकृतियां हैं, जैसे कि घन है, घनाभ है, शंकु है, बेलन है, इस तरह की आकृतियां दी गई हैं और उन आकृतियों का क्षेत्रफल हम कैसे निकालें उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल इस एक्सरसाइज में हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या, देखिए, दो घनाभाकार डिब्बे, जैसा कि संलग्न आकृति में दिखाया गया है, दिखा रखे हैं, एक डिब्बा ये है, दूसरा डिब्बा ये, वैसे हम इसको घनाकार भी कह सकते हैं, घन के आकार का, क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या है इसकी, तीनों बराबर है और इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या अलग अलग है। किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता है, दो डिब्बे दे रखे हैं अलग अलग और ये पूछा है इनमें से किस डिब्बे को बनाने में कम सामग्री की आवश्यकता है। तो कैसे करेंगे, देखिए, पहले घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, चलिए शुरू करते हैं, पहले घनाभाकार डिब्बे की लंबाई L कितनी दे रखी है, वो 60 सेंटीमीटर दे रखी है। पहले घनाभाकार डिब्बे की चौड़ाई, इसको मैं बी से दिखा दिया है, वो आपकी दे रखी है 40 सेंटीमीटर। पहले घनाभाकार डिब्बे की ऊंचाई h, वो आपकी दे रखी 50 सेंटीमीटर। अब किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की जरूरत पड़ेगी, बनाने के लिए डिब्बा यानी कि चारों तरफ का उसका पृष्ठीय का क्षेत्रफल, तो पहले डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि जितना इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उतने ही सामग्री इसको बनाने के लिए चाहिए और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला 2 × LB प्लस BH प्लस HL, ये फॉर्मूला है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, 2 × L कितना आपका 60, B कितना आपका 40 प्लस B कितना है 40, H कितना है ये रहा 50 प्लस HL, H कितना है 50 और L कितना आपका 60, 2 × अब ये गुणा करते हैं 60 की और 40 की करेंगे 2400, ये हो जाएगा आपका 2000 और 6×5 ये हो जाएगा आपका 3000, 2 × इनके जोड़ करिए, 3 × 2 = 5, 5 × 2 = 7, 7400 इनकी गुणा हो जाएगी और 2 × 7400 की गुणा करेंगे 200, 200, 200, 2×8 और 2×7 = 14, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये पहले डिब्बे का क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। हम इसको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कह सकते हैं या ये कह सकते हैं कि इतनी सामग्री इसको बनाने के लिए चाहिए। अब दूसरे डिब्बे की बात करते हैं, दूसरे घनाभाकार डिब्बे की लंबाई L, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी कितनी दे रखी, 50 ही दे रखे हैं तो 50 लिख दिया। दूसरे घनाभाकार डिब्बे की चौड़ाई B, ये भी कितनी है 50 है। दूसरे घनाभाकार डिब्बे की ऊंचाई H, ये भी कितनी है आपकी 50 सेंटीमीटर। तो दूसरे घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वही फॉर्मूला 2 × LB प्लस BH और प्लस HL, सभी वैल्यूज को पुट कर देते हैं, रख देंगे यहाँ पे 2 × LB यानी कि 50 × 50,
बी एच, वो भी आपका क्या है 50 × 50, एच एल ये भी आपका क्या हो जाएगा 50 × 50, 2 × 50 50 की गुणा करेंगे 2500, ये भी 2500 और ये भी क्या हो जाएगा आपका 2500, 2 × 25 50 7500 हो जाएगा, और जब इनकी गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका 15000 cm². तो किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा है, दूसरे डिब्बे का ज़्यादा है, पहले का तो ये था 14800, इसका क्या है 15000, तो किस डिब्बे को बनाने में कम सामग्री लगेगी, पहले डिब्बे को बनाने में कम सामग्री लगेगी, अतः पहले घनाभाकार डिब्बे को बनाने में कम सामग्री लगेगी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 80 × 48 × 24 cm, जब इस ढंग से गुणा में दे रखे हैं ना, तो पहली जो माप होता है वो लंबाई का, दूसरा चौड़ाई का, और तीसरा होता है ऊंचाई का, यानी ये लंबाई है 80 cm, चौड़ाई 48 cm और ऊंचाई 24 cm, माप वाले एक सूटकेस को तिरपाल के कपड़े से ढकना है, यानी सूटकेस के लिए तिरपाल का एक कपड़ा उससे ढकना है इसको, और ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 cm चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, एक सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, वो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो उस सूटकेस को ढकने के लिए आवश्यक कपड़े की का माप हो जाएगा कितना चाहिए, फिर हम किसका निकाल लेंगे उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 सूटकेस का आ जाएगा, फिर आगे कोई कपड़ा जो खरीदना है उस कपड़े की चौड़ाई कितनी है 96 cm, बाद में ये बताना है कि वो जो कपड़ा तिरपाल का आप खरीदेंगे तो उसकी लंबाई कितनी होगी, ये हमने बताना है इसके अंदर। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, पहले एक सूटकेस का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो सूटकेस की लंबाई सूटकेस की लंबाई दे रखी है आपकी 80 सेंटीमीटर, सूटकेस की चौड़ाई यानी कि बी वो दे रखी है आपकी 48 सेंटीमीटर, सूटकेस की ऊंचाई एच वो आपकी दे रखी 24 सेंटीमीटर। अब सूटकेस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूटकेस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB + BH + HL, सभी वैल्यूज को रख दीजिए यहाँ पे, 2 × L कितना है 80 × 48 प्लस बी क्या आपका 48, एच कितना है 24, बी एच एच एल एच कितना है 24 और एल कितना है 80, 2 × 80 और 48 की गुणा करेंगे आपकी बनेगी 3840 प्लस 48 की और 24 की गुणा करोगे ये बनेगी आपकी 1152 प्लस 24 की और 80 की गुणा करेंगे ये बनेगी 1920। आगे चलिए 2 × इन तीनों को जोड़िए, 3840 को, 1152 को और 1920 को, जब इन तीनों को जोड़ेंगे ये बनेगा 6912 और जब इनकी गुणा करेंगे तो 12 × 24, 2 × 18, 2 × 6 = 12 = 13, 13824 cm², ये आपका क्या हो गया एक सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब तिरपाल का क्षेत्रफल, तिरपाल जिस जो इस एक सूटकेस के लिए चाहिए, वो एक सूटकेस के लिए तिरपाल का क्षेत्रफल, तिरपाल
का अक्षेत्रफल बराबर क्या होगा? सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वही, जो सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वही त्रिपाल का क्षेत्र होगा, क्षेत्रफल होगा। अब त्रिपाल का क्षेत्रफल, त्रिपाल तो आयत की फॉर्म में है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई। सूटकेस का क्षेत्रफल दे रखा है कितना, हमने निकाल लिया पहली 13,824, और लंबाई जो थान हमने लेना है, जो कपड़ा हमने खरीदना है, उसकी चौड़ाई कितनी दे रखी, 96 सेंटीमीटर दे रखी है, बराबर किसके, 13,824 के। तो लंबाई जो आएगी किसके लिए, एक सूटकेस के लिए 13,824 को क्या कर देंगे, 96 से भाग काट देंगे, ये काटोगे तो ये जाएगा आपका 144 पर, 144 सेंटीमीटर इतना लंबा चाहिए, 144 सेंटीमीटर लंबा त्रिपाल चाहिए एक सूटकेस के लिए। सूटकेस कितने हैं, 100, तो 100 सूटकेसों को ढकने के लिए त्रिपाल की आवश्यकता, 100 सूटकेसों को ढकने के लिए त्रिपाल की आवश्यकता, यानी कितना चाहिए, बराबर यहाँ लिख देता हूँ, बराबर कितना चाहिए, एक में 144, 100 में क्या जाए, गुणा 100 कर दीजिए, तो 14,400 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए त्रिपाल। और 14,400 सेंटीमीटर कि अगर आप मीटर बनाओगे तो 14,400 को भाग कर दीजिए 100 से, तो कितना हो जाएगा आपका, 144 मीटर लंबा जो है त्रिपाल चाहिए। और उस त्रिपाल की चौड़ाई तो दे रखी है, पहले कितनी दे रखी है, 96 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई दे रखी है। उसके बाद करते हैं हम जो है तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्या है, देखिए स्टेटमेंट देखिए पहले उसकी, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक घन बताना है, घन क्या है, ऐसा घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो, उसी घनाभ को हम क्या, जैसे ये वाली फिगर दे रखी थी, कहने को तो घनाभ कह रखा है लेकिन इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है, तो क्या आपकी ये घन ही है, तो ऐसी आकृति को घन कहते हैं। तो भुजा बतानी है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका दे रखा है। तो माना घन की भुजा, माना घन की भुजा क्या दे दी, ए ले ली हमने घन की भुजा, और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय अक्षेत्रफल कितना दे रखा है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a² याद कर लीजिए इसको, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था आपका, 6a² ये फॉर्मूला होता है इसका, 6a², तो 6a² को आप कर दोगे किसके बराबर कर दोगे, 600 के बराबर कर दोगे, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, 600/6, और जब आप इसको काटोगे तो 6 × 6 = 600, यानी ए स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, 100 के, और ए बराबर क्या कर देंगे, 100 का वर्गमूल यानी के 10 सेंटीमीटर, इसलिए घन की भुजा बराबर क्या हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर, इसलिए घन की भुजा जो हो क्या हो जाएगी आपकी, 10 सेंटीमीटर, इसलिए घन की भुजा बराबर कितना, 10 सेंटीमीटर। यह आपका हुआ जो है थर्ड क्वेश्चन। चौथा प्रश्न देखिए, रुखसार ने 1 मीटर × 2 मीटर × 1.5 मीटर, यानी लंबाई 1, चौड़ाई 2 और ऊंचाई क्या आपकी 1.5, 1.5 मीटर है बेसिकली, ठीक है, वाली एक पेटी को बाहर से पेंट किया, बाहर से पेंट कर दिया, अभी
यदि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त यानी कि तली में पेंट नहीं किया, जो पेटी है उसके तली में पेंट उसने नहीं किया है, पेटी की कितनी साइड है, छः उसके फेस हैं, छः में से पांच को कर दिया, नीचे वाले को नहीं किया है, पेटी यदि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त उसे सभी जगह से पेंट किया हो तो ज्ञात कीजिए उसने कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट किया, यानी तली को छोड़ देंगे बाकी सारा कर देंगे, तो कैसे करेंगे देखिए, पेटी की लंबाई L कितनी 2 मीटर, पेटी की चौड़ाई B वो आपकी 1 मीटर, पेटी की ऊंचाई H वो है 1.5 मीटर, ठीक है। तो तली को छोड़ के पेटी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तली को छोड़ के, तली को तो पेंट नहीं किया, इसको तल को पेंट नहीं किया उसने, तो तल के अतिरिक्त, तल के अतिरिक्त पेटी का पृष्ठीय क्षेत्रफल उड़ी क्या होगा, ये आपका पेंट करने वाली जगह ही हो जाएगी। अब तली का और ऊपरी हिस्सा जो उसका क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, इसलिए जब हम फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे वैसे तो हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, यहाँ बताता हूँ आपको, जैसे क्या लिखते हैं, 2 LB + BH + HL, एक किस्म से क्या होता है आपका, ये ब्रैकेट खोल दे तो 2 LB 2 BH 2 HL ये होता है। 2 LB में कौन सा होता है, एक नीचे का सिरा एक ऊपर वाला, BH में साइड के हो जाएंगे, और HL में क्या हो जाएगा आपका सामने का और बैक साइड का, ये सिरे होते हैं। अब इसमें से दो में से एक साइड को किया है, नीचे का सिरा छोड़ दिया, तो हम इसका फॉर्मूला क्या लिख लेंगे फिर, चाहे ये फॉर्मूला लिखो या ये लिखो एक ही बात है, ये आपको समझाने के लिए, नोट मत करना बेशक चाहे इसको, वैसे बताने के लिए किया है। तो 2 LB की बजाय मैं क्या लिखूँगा, LB लिखूँगा, इसमें क्या होगी तली नहीं है अब इसके अंदर LB, और वो क्या आपका 2 BH और 2 HL, ये ऐसे ही रहेंगे सेम, इसको समझ लेना अच्छे से, ठीक है। LB कितना हमारा 2, B कितना है 1, प्लस 2 BH 2, B कितना है 1 चौड़ाई, H कितना है 1.5, प्लस 2 H कितना है 1.5, L कितना है 2, अब ये गुणा कीजिए 2 × 1 = 2, प्लस इनकी गुणा करेंगे 1.5 के 2 की गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, और ये 2 × 2 = 4 = 15 × 4 = 60, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 6 × 2 = 8 और 3 = 11 m², इतनी जगह पर पेंट उसको करना पड़ेगा। अतः रुखसार ने 11 m² अक्षेत्रफल को पेंट किया, भी इतना पेंट किया उसने, पेंट किया, ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 4। पांचवा प्रश्न, डैनियल एक ऐसे गनाभाकार कमरे की दीवारों और छत को पेंट कर रहा है, किसको कर रहा है, दीवारों को और छत को, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15 मीटर, 10 मीटर और 7 मीटर हैं। पेंट की प्रत्येक कैन की सहायता से, यानी एक कैन अगर, एक डिब्बा अगर लेते हैं तो उसे 100 m² क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है, तो उस कमरे के लिए उसे पेंट की कितनी कैनों की आवश्यकता होगी। तो कैन की आवश्यकता तो बाद में बताएंगे, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कमरे के कितने क्षेत्रफल पर पेंट होगा, तो पहले तो हमें वो क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा जिस पर पेंट करना है। तो क्वेश्चन 5 जो है शो करते, देखिए क्वेश्चन 5
और उसके लिए भाई कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिखनी पड़ेगी। कमरे की लंबाई L कितनी है, लंबाई कमरे की लंबाई 15 मीटर है। फिर कमरे की चौड़ाई B वो आपकी 10 मीटर, कमरे की ऊंचाई H वो आपकी 7 मीटर, ठीक है। अब पेंट कहाँ करना है, चार दीवारी पे और छत पे, फर्श पे तो पेंट होना नहीं है। तो वो क्षेत्रफल जिस पर पेंट होना है कमरे का पेंट के लिए क्षेत्रफल क्या होगा, छत का क्षेत्रफल छत पे होगा और छत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई LB प्लस चारों दीवारों पर होगा। चारों दीवारों के लिए फार्मूला ये भी होता है आपका क्या, 2 × L + B × H, या पहले वाला फार्मूला अगर लगाओ तो ये भी लगा 2BH और 2HL एक ही बात है, सेम है दोनों भी, चाहे ये लगाओ या चार दीवारी वाला फार्मूला लिख देता हूँ, आगे जरूरत भी पड़ेगी आपको, L + B × H बात वही है। जब आप इन दोनों कंपेयर करोगे ना, ये देखिए 2LH ये रहा 2HL, 2BH ये रहा आपका 2BH, एक ही बात है दोनों सेम, क्योंकि ये भी पेटी जो थी उसके अंदर भी क्या था, तली में पेंट नहीं करना था, तो सेम वही बात है, यहाँ फर्श को पेंट नहीं करना है, एक ही बात है। अब इसके अंदर सारे जो वैल्यू जोन को रख दीजिए, लंबाई कितनी है देखिए, लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि 15 × 10 प्लस 2 × L कितना आपका 15, B कितना है 10, H कितना है 7, 15 × 150 प्लस 2 × 15 × 10 कितना 25 और गुणा कितना आपका 7, तो 150 प्लस 25 दूनी 50, 7 × 5 = 35, 350 और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये 500 मीटर स्क्वायर हो गया। यानी वो जो जगह है जिस पर पेंट होना है कमरे का वो क्या हो जाएगा 500 मीटर स्क्वायर। अब एक डिब्बे से कितना मीटर स्क्वायर होता है 100, 500 के लिए कितने चाहिए 5, सीधा दिख रहा है, तो कैनों की आवश्यकता यानी कितने कैन, कितने डिब्बे चाहिए, कैनों की आवश्यकता बराबर क्या होगा, कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल जिस पर पेंट होना है, कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा पेंट के प्रत्येक कैन से पेंट का क्षेत्रफल, एक कैन से पेंट का क्षेत्रफल जो होता है। अब कमरे का क्षेत्रफल कितना निकाला आपने 500 और एक कैन से कितना होता है 100 होता है, 100 × 500 कितने कैन चाहिए, 5 कैन चाहिए पूरे कमरे को पेंट करने के लिए उसके फर्श को छोड़ करके। छठा क्वेश्चन देखिए, वर्णन कीजिए दाएं तरफ दी गई आकृतियां, एक तो क्या दे रखे बेलन की आकृति दे रखी, किस प्रकार एक समान है और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। अगर एक समान देखें तो दोनों की ऊंचाई क्या है, बराबर है 7 सेंटीमीटर, और अलग कैसे है, जो बेलन का आधार जो वृत्त के आकार का होता है और ये घनाभ है, इसका आधार कैसा होगा वर्ग के आकार का, ये इनके अंदर डिफरेंस हो गया, ठीक है भाई। किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, पार्श्व मतलब बाहर बाहर से, जैसे 7 सेंटीमीटर इसका तो बाहर वाला, ऊपर वाले को छोड़ देंगे नीचे वाले को छोड़ देंगे, पार्श्व का मतलब ये होता है। ऐसे ही जो घन की बात करेंगे, जब इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1, 2, 3, 4 बार बार के आएंगे, ऊपर वाला छोड़ देंगे और नीचे वाला छोड़ देंगे, ये होता आपका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो पहले तो ये लिखना है कि किस प्रकार एक जैसे हैं और किस प्रकार आपके क्या है अलग अलग हैं। तो पहले तो इसी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं कि दोनों में समानता क्या है और अलग अलग बात क्या है। तो दोनों आकृतियों की ऊंचाई एक समान है, समानता क्या लिखेंगे, समानता दोनों
आकृतियों की ऊंचाई समान है, ठीक है। अलग बात क्या, दोनों में असमानता क्या है? बेलन का आधार वृत्ताकार है, वृत्ताकार है, जबकि घन का आधार वर्गाकार है, वर्गाकार है, ठीक। अब करते हैं दोनों का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए, बेलन के डिब्बे की त्रिज्या, बेलनाकार डिब्बे की त्रिज्या यानी R, व्यास दे रखा है इसका 7 आकृति में, त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी, आधी हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। बेलनाकार डिब्बे की ऊंचाई, ऊंचाई h कितनी, 7 सेंटीमीटर। बेलनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय अक्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 2πRh, याद कर लीजिए इसको फॉर्मूले को, 2πRh, 2π का मान 22/7, r त्रिज्या कितनी 7/2, h कितना है 7, जो कटता उसको काट दीजिए, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका बेलनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय अक्षेत्रफल। अब घन की बात करते हैं, घनाकार डिब्बे की भुजा, यहां करता हूं घनाकार डिब्बे की भुजा, घनाकार डिब्बे की भुजा ए कितनी है 7 सेंटीमीटर। घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय अक्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होगा 4a² संपूर्ण तो होता 6a² 6a² और पार्श्व होता 4a² 4 × a² का मतलब 7 × 7, तो 4 × 7 × 7 कितना हो जाएगा 49, और 49 की और 4 की गुणा करेंगे 4 × 9 = 36, 3 × 4 = 16 और 3 × 19 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका 196 इसका कितना है 154, तो ज़्यादा किसका हो गया, ज़्यादा है घनाकार डिब्बे का, इसलिए घनाकार डिब्बे का, इसलिए घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय अक्षेत्रफल अधिक है। तो ये आपका हो गया जो है छठा क्वेश्चन, छठा। सातवां क्वेश्चन देखिए, 7 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाला एक बंद बेलनाकार टैंक, बंद है यानी कि नीचे भी और ऊपर दोनों तरफ से बंद है, किसी धातु की चादर से बना हुआ है, उसे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो कितनी चादर उसको बनाने के लिए चाहिए, तो दे क्या रखा है, बेलनाकार बंद टैंक है यानी कि इस टाइप का टैंक है आपका, ये ऐसे बना रखा है टैंक को, इस टैंक की त्रिज्या कितनी दे रखी 7 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर, 7 मीटर भी, वैसे थोड़ा उल्ट बना दिया है,
इसकी त्रिज्या ज़्यादा और ऊंचाई कम है। दोबारा बना देते हैं, चलिए इस ढंग का टैंक मान लीजिए, ऐसे ऐसे ये टैंक है, उसको छोड़ देना, ये नहीं है। इसकी त्रिज्या 7 मीटर, ये त्रिज्या होगी इसकी 7 मीटर, ठीक है। और ऊंचाई कितनी? 3 मीटर, ये इसकी क्या है ऊंचाई है, कितनी है 3 मीटर। इसको बनाने के लिए कितनी चादर चाहिए हमें बताना है, तो बेलनाकार टैंक की त्रिज्या, बेलनाकार टैंक की त्रिज्या आर कितनी? 7 मीटर। बेलनाकार टैंक की ऊंचाई एच कितनी है आपकी? 3 मीटर। बेलनाकार टैंक का कुल प्रस्थीय क्षेत्रफल, क्योंकि कुल प्रस्थीय क्षेत्रफल होगा भाई, उतनी चादर की जरूरत पड़ेगी। बेलनाकार टैंक का कुल प्रस्थीय अक्षेत्रफल, इसको याद कर लीजिए, फार्मूला होता है 2πr(r+h), इस फार्मूले को याद कर लीजिए। तो 2π की जगह कितना? 22/7। r कितना हमारा त्रिज्या? 7 इंटू आर प्लस एच, आर कितना है 7 और एच कितना आपका 3। 7 से 7 इनको तो काट दीजिए पहले ही, और ये 22 दून कितना हो जाएगा 44, 7 और 3 कितना हो जाएगा, गुणा अभी गुणा, 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, 44 की और 10 की गुणा करें तो क्या हो जाएगा आपका ये 440 मीटर स्क्वायर। ये इसका क्या हुआ? प्रस्थीय क्षेत्रफल। तो जो प्रस्थीय क्षेत्रफल है भाई, इसको क्या चाहिए? चादर चाहिए, उतनी चादर चाहिए इसको। तो इसलिए टैंक बनाने के लिए 440 मीटर स्क्वायर धातु की चादर की आवश्यकता है। ये 7वां क्वेश्चन हुआ आपका। 8वां क्वेश्चन देखिए, एक खोखले बेलन का वक्र प्रस्थीय क्षेत्रफल 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसे इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर 32 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है। खोखले बेलन को काट के चादर बना दी, ऊंचाई के अनुदिश काट करके ना, आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात कीजिए। यानी आपको यहाँ पे क्या क्या पता है? खोखले बेलन का वक्र प्रस्थीय क्षेत्रफल पता है, दूसरी बात क्या पता है कि ऊंचाई के अनुदिश काटा गया है, और तीसरा क्या है कि जो आयताकार चादर उसकी चौड़ाई कितनी है? 32 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे इसको। इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले आप ये देखिए, अगर ये बेलन होगा तो कुछ इस टाइप का बेलन होगा, मैंने बनाने की कोशिश की, जैसे काटा नहीं इसको, ये बेलन है इस ढंग से, ये बेलन हो गया आपका ऐसे, ये बेलन है, कागज का बेलन बना दिया ऐसे, ये चादर है इस टाइप से, ये बेलन आपका, ठीक है, ये बेलन आप देख रहे हैं मेरे ख्याल से, ऐसे बेलन बना सकते हैं हम इसका ऐसे, ये खोखला आर पार दिख रहा, देखिए इसके इस टाइप का क्या है बेलन है। अब इसका प्रस्थीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको ऊंचाई के अनुदिश काटेंगे, इट मीन्स कहाँ से काटेंगे? यहाँ से, इसको ऐसे काटेंगे, यहाँ से जैसे ही काटेंगे, काटने के बाद ये ऐसे हो जाएगा, ये हो गया ऐसे, यानी क्या बन गया आपकी? आयताकार चादर बन गई, आयताकार चादर। तो इस आयताकार चादर का क्षेत्रफल वही होगा जो इस बेलन का क्या था आपका? पार्श्व प्रस्थीय क्षेत्रफल। इसका पार्श्व यानी कि बाहर से ये जो क्षेत्रफल है, यही क्या बन जाएगा? बाहर वाला क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इस चादर का क्या हो जाएगा आपके? का चादर का आयताकार चादर का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो और ये इसकी क्या ऊंचाई? ये ऊंचाई इसके अनुदिश काटा गया इसको, ठीक है।
चलिए करते हैं, बाकी अब समझ में आएगा, जब करते हैं देखिए। तो बेलन का वक्र प्रस्थीय अक्षेत्रफल, बेलन का वक्र कह दीजिए आप, पासर कह दीजिए, वक्र प्रस्थीय अक्षेत्रफल, वो आपका दे रखा है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेलन की ऊंचाई, बेलन और ये वक्र प्रस्थीय क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, वैसे 2 पाई आर एच होता है फॉर्मूला इसका, पासर या वक्र। बेलन की ऊंचाई जो है h वो कितनी है, 33 सेंटीमीटर भुजाई, क्या तो काटा है तो ऊंचाई कितनी इसकी 33 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई। तो हम क्या निकाल लेते हैं बेलन की, पहले क्या निकाल लेते हैं, त्रिज्या निकाल लेते हैं, त्रिज्या। तो कैसे करेंगे देखिए इसको, 2 पाई आर एच, बेलन का वक्र प्रस्थीय क्षेत्रफल किसके बराबर आपका 4224 के। अब इन वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे, देखिए 2 पाई की जगह 22 बटे 7, आर का हमें पता नहीं और एच कितना आपका 33 है, बराबर 4224। और आर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, फिर आपका आर बराबर 4224, 7 चला जाएगा ऊपर, 2 22 और 33 ये आ जाएंगे आपके नीचे। और फिर इनको काटते हैं देखिए कितने कितने से क्या कटता है, 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, फिर 11, 2 3 3, 6, 3 पे काट लीजिए, 3 1 3, 3 1 3, इसको काटेंगे 3 7 21, 0 3 4 12, फिर किससे काट लें 11 से, 11 6 66 और 11 66, अच्छा कुछ गड़बड़ हो गई है काटने में, कुछ गड़बड़ हो गई है, नहीं ठीक है, 11 6 66 और 11 4 44, तो क्या बचाओ प्रतिज्ञा आपकी 64 × 7 और नीचे कितना बच गया आपका 22, क्या हो जाएगा आपका ये सेंटीमीटर, ये त्रिज्या आ गई आपकी, त्रिज्या, त्रिज्या आ। अब ये जो त्रिज्या है ना, ये देखिए ये त्रिज्या, ये त्रिज्या क्या है, ये गोलाकार तली तो इसकी यही दिखाई दे रही है आपको, ये नहीं, ये वाली, ये वाली, यानी ये त्रिज्या है, और उसका अगर वैसे नीचे देखो तो क्या है कि परिधि है इसकी, और खोलने के बाद ये क्या बन जाएगी, इसकी लंबाई होगी, खोलने के बाद क्या, ये जो इसकी परिधि थी ये क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी, किसकी, आयताकार चादर की। तो आयताकार चादर की लंबाई क्या बनेगी, फिर आयताकार चादर की लंबाई एल। फिर देखिए इसको आप, जैसे ये है आपका बेलन है इसका, अब ये जो परिधि है, ये परिधि ये वाली 2πr जो होती है, इसको खोलेंगे तो इस आयताकार चद्दर की क्या बन गई, ये लंबाई बन गई, ये इसकी जो परिधि थी क्या लंबाई हो जाएगी चादर की, ऐसे इसको खोलेंगे ये वाली जगह परिधि है, खोलते ही ये क्या बन गई, इसकी लंबाई हो गई। तो आयताकार चादर की लंबाई बराबर क्या हो जाएगी फिर भाई, 2πr के बराबर हो जाएगी आयताकार चादर की लंबाई 2πr। अब 2πr बनाओगे तो क्या हो जाएगा, 2π की जगह कितना 22/7 और r जो हमने क्या निकाला है 64 × 7 / कितना है 22, यहाँ से काटिए जो कट रहा है, 7 से 7 कट गया, ठीक है 22 से 22 काट दिया, उनकी गुणा करोगे 2 4 8 और 2 6 12, 128 क्या हो गया भाई सेंटीमीटर, ये इसकी लंबाई होगी। निकालना क्या था हमें, चादर का परिमाप, तो आयताकार चादर का परिमाप, आयताकार चादर का परिमाप, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है,
टू इंटू एल प्लस बी याद है, टू इंटू एल, एल कितना निकाला अभी 128, बी चौड़ाई, चौड़ाई क्या है 33, यानी कि 2 गुणे 8 और 3 11, 3 2 5 6 161, और गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये 322 सेंटीमीटर जो इसका क्या हो जाएगा परिमाप हो जाएगा चादर का। तो ये हो आपका आठवां क्वेश्चन भी। नौवां क्वेश्चन देखिए, किसी सड़क को समतल करने के लिए एक सड़क रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घूमने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। ये आपका रोलर दिखा रखा है सड़क को समतल करने के लिए, कितनी बार घूमना पड़ता है इसको सड़क पे, 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि सड़क रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर, व्यास इसका ये वाली जगह, ये व्यास कितना 84 सेंटीमीटर और लंबाई कितनी है 1 मीटर, कहेंगे लंबाई लेकिन होगी क्या बेलन के हिसाब से, तो इसमें ऊंचाई हो जाएगी, तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, पहले ये देख लेंगे कि रोलर के एक चक्कर में कितना क्षेत्रफल समतल होगा। तो एक चक्कर में कितना क्षेत्रफल समतल होगा, जो रोलर का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, वो जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा उसके एक चक्कर में होगा, और उसको आप 750 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा पूरी सड़क का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, नौवां क्वेश्चन, रोलर की त्रिज्या, रोलर की त्रिज्या आर, व्यास दे रखा है 84, तो त्रिज्या 2 से भाग कर दीजिए 42 सेंटीमीटर हो जाएगी, त्रिज्या 42 सेंटीमीटर। रोलर की लंबाई, रोलर की लंबाई लिखेंगे, लंबाई दिखाएंगे एच से क्योंकि ऊंचाई ही है वो एक किस्म से उसकी, 1 मीटर, क्योंकि वहाँ सेंटीमीटर तो इसके भी सेंटीमीटर बना लेंगे, क्या हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सड़क रोलर का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, सड़क रोलर का पार्श्व या वक्र भी, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या है, 2πRH, 2 पाई की जगह 22/7, R कितना है 42, H कितना है 100, तो काटिए इसको देखिए 7 × 6 = 42 और 6 × 12 और 12 × 24, 2 × 12 = 24 और 2 = 26, 264 आगे क्या जाएंगे 20, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा अभी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब सड़क रोलर को कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं 750 है, तो चाहे तो रोलर का पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दीजिए, चाहे एक चक्कर में जितनी सड़क समतल होगी वो कह दीजिए, एक ही बात है। तो 750 चक्करों में, 750 चक्करों में कुल क्षेत्रफल 750 में, एक चक्कर में कितना है 26,400 और 750 में गुणा क्या कर देंगे 750 से गुणा कर देंगे, तो इनकी जब गुणा करोगे तो ये आपका आएगा 198 आके उसके आगे 0 आ जाएंगे आपके 3 × 2 = 5 में, पहले कर रखी गुणा में लिख दिया आपको, इतने हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी सेंटीमीटर स्क्वायर को जब मीटर स्क्वायर में आप बदलना चाहोगे इसको भाग कर देना 10,000 से सेंटीमीटर, क्योंकि एक मीटर में सेंटीमीटर 100 होते हैं और स्क्वायर करोगे तो 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 × 100 यानी कि 10,000, तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या है 198 के आगे क्या आपकी 3 × 2 = 5 0 हैं, इसको बटा क्या कर दो आप 10,000 से कर दो, 2 × 2 = 4 0 जाएंगे कट, तो क्या बन जाएगा आपका 1980 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका 750 चक्करों का कुल क्षेत्रफल, या ये कह दीजिए सड़क का, इसलिए सड़क का कुल क्षेत्रफल, इसलिए सड़क का कुल
अक्षेत्रफल बराबर 1980 मीटर स्क्वायर। दसवां क्वेश्चन देखिए, एक कंपनी अपने दूध पाउडर को ऐसे बेलनाकार बर्तनों में पैक करती है जिनका व्यास 14 सेंटीमीटर, दिखा दिया व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 20 सेंटीमीटर है। कंपनी बर्तन के पृष्ठ के चारों ओर एक लेबल लगाती है जैसे नाम नहीं लिखा होता दूध पाउडर के लिए किस कंपनी का है, जैसे यहाँ दूध पाउडर लिख दिया कंपनी का नाम नहीं लिखा, जो भी कंपनी है उसका लेबल लगा रखा है, लेबल लगाती है। यदि लेबल बर्तन के तल और शीरस दोनों से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चिपकाया जाता है, यानी कि नीचे से 2 सेंटीमीटर छोड़ दिया, ऊपर से भी 2 छोड़ दिया, टोटल 20 थी, 20 में से 2 नीचे छोड़ दिया और 2 ऊपर छोड़ दिया, कितना रह जाएगा बीच में, लेबल की ऊंचाई क्या हो जाएगी 16 सेंटीमीटर हो जाएगी बीच में से कटाएंगे तो हमने क्या बताना है, लेबल का क्षेत्रफल बताना है, सिर्फ लेबल का। कैसे करेंगे देखिए इसके, कि जैसे ये बना दिया डब्बा ए इस ढंग से, ये डब्बा है, इसका व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर और ये जो ऊंचाई दे रखी पूरी ऊंचाई, ये पूरी ऊंचाई कितनी रखी 20 सेंटीमीटर और यहां लगा दिया लेबल ऐसे नीचे और ऊपर, ये थोड़ा मैंने ज्यादा कर दिया, 2 सेंटीमीटर ऊपर छोड़ दिया और 2 कहां छोड़ दिया नीचे छोड़ दिया, बिल्कुल पतला सा होना था, थोड़ा ज़्यादा बन गए, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा बन गए, बीच में कितना बचेगा फिर आपका ये 16 सेंटीमीटर बचेगा लेबल ये वाली जगह, ये 16, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, सिर्फ लेबल का क्षेत्रफल बताना हमने, तो करेंगे क्या, बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या, बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या आर, व्यास 14 दे रखा है, 14 को 2 से भाग कर दीजिए कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई h कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, लेबल की ऊंचाई तो लेबल लगा रखा है, लेबल की ऊंचाई इसको कैपिटल एच से दिखा दीजिए, वो बड़ा एच ये छोटा एच, तो 20 में से 2 ऊपर से घटा दो 2 नीचे से घटा दो कितना जाएगा 16 सेंटीमीटर रह गया। अब लेबल का पार्श्व पृष्ठ या क्षेत्रफल, लेबल का पार्श्व पृष्ठीय अक्षेत्रफल फॉर्मूला क्या है 2πRH, 2π की जगह 22/7 R कितना आपका 7 सेंटीमीटर, H कितना आपका 16, 7 से 7 काट दिया क्या बचेगा 22 × 44 × 16, 44 की और 16 की गुणा करेंगे तो 16 × 64 = 6, 704 cm². इसलिए लेबल का अक्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 704 cm². और इस तरह से आपकी प्रश्नावली 9.2 कंप्लीट है। वीडियो अच्छे से समझ में आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।